ऑपरेशन देवी शक्ति जैसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत थी। आखिर कैसे हुआ वो पहला एयरलिफ्ट भारत से काबुल और फिर काबुल से तजाकिस्तान और हिंडन तक कैसे लाया गया अफगानिस्तान से नागरिकों का पहला जत्था। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले 16 अगस्त को C-17 ग्लोब मास्टर ने शाम 4:20 पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। इसमें एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज भी मौजूद थे। इस प्लेन में पूरी तैयारी के साथ एयरफोर्स की टीम गई। इस दौरान ईरान और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं किया गया। ओमान और पर्शियन गल्फ होते हुए एयरफोर्स का विमान सबसे पहले तजाकिस्तान पहुंचा, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत का एयरबेस है, इसीलिए जहाज पहले वहां पर गया। ऑफ देवी शक्ति में डायरेक्ट C-130 फ्लाइट्स भी हैं और एयर इंडिया फ्लाइट्स जो दुशानबे तजिकिस्तान लेकर के जाके वहां से भी हम लेके आ रहे हैं लोगों को। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग ऑपरेशंस रूम में, इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस रूम में होता होगा और किस तरह की इसकी सारी ब्रीफिंग और बाकी इक्विपिंग ट्रूप्स हो या ट्रूप ट्रेनिंग हो, यह सारी चीज़ें होती होगी। तो हमारे लिए इवैक्यूएशन कोई नई बात नहीं है। इवैक्यूएशन में काफ़ी चीज़ें हम मद्देनज़र रख के चलते हैं। इवैक्यूएट करने वाले लोगों की जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट हो, पानी की रिक्वायरमेंट हो या फिर खाने की रिक्वायरमेंट हो, आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट हो, ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र हम चलते हैं। कुछ कुछ इवैक्यूएशन करने वाले जगह में एक अनेक तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उनके लिए जो साजो सामान हैं और डॉक्टर्स हैं वो भी इसी इवैक्यूएशन वाले जो जहाज में जाते हैं। एक ट्रांसपोर्ट पायलट की मुख्य जिम्मेदारियां हैं एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, एयर मोबिलिटी एंड स्पेशल मिशंस जैसे हम करते हैं, कुड बी स्पेशल ऑपरेशंस, कुड बी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। और ये सब मिशंस हम सिर्फ अपने देश में नहीं, अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए भी करते हैं। तजाकिस्तान से भारतीय विमान अगले दिन सुबह काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा। नेटो फोर्सेस के क्लियरेंस के बाद ग्लोब मास्टर काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इस दौरान काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नेटो फोर्सेस ने भारत की मदद की। करीब 148 भारतीयों को गाड़ियों में बिठाकर एम्बेसी के पास से पैसेज देकर एयरपोर्ट तक क्लियर रास्ता दिया गया। मंगलवार सुबह 7:30 ये काफिला एयरपोर्ट पर पहुंचा। फिर C-17 ग्लोब मास्टर ने भारत के लिए उड़ान भरी। इसमें एम्बेसी से जुड़े अधिकारी, ITBP के 100 से ज्यादा जवान और कुछ पत्रकार समेत दूसरे लोग इस विमान में सवार होकर काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए। काबुल से निकलने के बाद लगभग 11:00 C-17 ग्लोब मास्टर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। जामनगर से हिंडन एयरबेस के लिए ये प्लेन 3:15 निकला और शाम 5:15 हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर गया। हमारे इवैक्यूएशन में और यूएसए के इवैक्यूएशन में आपने बहुत फर्क देखा होगा। हमारे इवैक्यूएशन में हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ लोगों के लेआउट हो, लोगों का बैठने का जगह का रिक्वायरमेंट हो या उनकी बाकी अन्य रिक्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ों का मद्देनज़र हम चलते हैं। कभी कई बार हमको लैंड करने के बाद रनवे के इर्द गिर्द टेंट भी सेटअप करना पड़ता है, तो वो टेंट को भी लेके चलते हैं क्रू के लिए भी और इवैक्यूएस के लिए भी। हायर एल्टीट्यूड जाते ही एयर डेंसिटी कम हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन का परफॉर्मेंस है कम हो जाते हैं, हर जहाज का प्रॉब्लम है। सो दीज एयरक्राफ्ट आर सो पावरफुल, इतना पावरफुल कि उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा लोड लेके उतना हाई एल्टीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले बता सकता हूँ, ले इज अराउंड 11,000 feet अबव मीन सी लेवल। इस एयरक्राफ्ट वहाँ पे भी विद लोड कैन गो लैंड, गिव मैन एंड मटेरियल, लॉट ऑफ स्टफ, कनेक्ट विद सिविलियन पीपल, मेक द एंटायर मिलिट्री विच इज देयर टू यू नो उनका जिंदगी कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प करता है। जानकारों के अनुसार इस ऑपरेशन की 3 मुख्य केंद्र थे, काबुल में भारतीय दूतावास, कैबिनेट सेक्रेटरी और विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री UNSC की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हालात पर नजर बनाए हुए थे और निर्देश दे रहे थे। इस तरह अंजाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, जो अभी भी जारी है।